हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ को स्टडी कर रहे हैं, तो आज हम एक और न्यू एप्लीकेशन के साथ आए हैं। आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे हम ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर के लिए। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने पता किया था नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की वैल्यू। ठीक है, तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। हम नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर कंसिडर कर लेते हैं। कोई हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है एक, ओके, हॉलो स्फीयर हमने ले लिया। ये एक आर वन रेडियस है इसकी, जो इनर रेडियस मान लेते हैं आर वन, और एक आउटर रेडियस मान लेते हैं आर टू, और ये नॉन कंडक्टिंग है और हॉलो स्फीयर है। ओके, नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। ओके, हॉलो स्फीयर। सबसे पहले हम इसे प्लस क्यू चार्ज देंगे और प्लस क्यू चार्ज इसके वॉल्यूम में भी जाएगा। ये जितना भी वॉल्यूम होगा, ये कितना वॉल्यूम होगा, ये इसका 4/3 पाई है ना, r2 - r2³ - r1³। ओके, इस वॉल्यूम में भी ये चार्ज जाएगा साथ में, तो इस वॉल्यूम में ये चार्ज रहेगा, तो इसकी वजह से ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा जो भी हम चार्ज देंगे। तो इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी पता करना है। सपोज एक पॉइंट मान लिया हमने यहाँ पे ई, ई पता करना है हमें पी पॉइंट पे, है ना। तो यहाँ से हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? गॉसियन सरफेस। सबसे पहले हम एक्सटर्नल पॉइंट पे पता करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की वैल्यू। तो यहाँ से हमें क्या ड्रॉ करना होगा? गॉसियन सरफेस हमने ये ड्रॉ कर लिया। तो इसकी वजह से यहाँ से सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे हमें ये पॉइंट पी था, यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना था। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी होगी वो अवे फ्रॉम द पॉइंट होगा वैल्यू, है ना। यहाँ हम जो डी एस लेंगे उसकी डायरेक्शन भी यही हो जाएगी, थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हमें सबसे पहले P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी पता करना है। गॉसेस लॉ के इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फ्लक्स, सॉरी, गॉसेस लॉ से फ्लक्स कितना होता है? Q इनसाइड, इनसाइड कितना चार्ज है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हम जानते हैं इस चीज़ को, है ना, इसी का यूज करेंगे हम। सबसे पहले एक्सटर्नल पॉइंट पे, एट एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट पर हम क्या पता करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, है ना, पॉइंट पी पर। स्मॉल आर रेडियस का हमने यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया है, और ये स्फेरिकल है। कैसा है ये? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, है ना। यहाँ फ्लक्स की वैल्यू लगाते हैं, क्या होगी? क्लोज्ड इंटीग्रल के ये ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू इनसाइड, इनसाइड कितना चार्ज है, है ना, कितना है? क्यू ही चार्ज है, जो हमने प्लस क्यू चार्ज दिया है वो इनसाइड ही है अभी तो, है ना, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई डी एस कॉस 0 डिग्री, है ना, इसको स्प्लिट कर दिया हमने Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस हमने कैसा लिया है? सब जगह वैल्यू E की क्या है? सेम है, यूनिफॉर्म है। ये इसकी कंडीशन होती है कि गॉसियन सरफेस पर सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहना चाहिए, वो हमने ले लिया है। और जो चार्ज गिवन है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो भी सॉलिड स्फीयर है, ये सेकंड कंडीशन है इसकी, ये भी फुलफिल है। थर्ड, थीटा एंगल हमने 0 डिग्री लिया है, 0 डिग्री होना चाहिए या फिर 90 डिग्री या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। फोर्थ, गॉसियन सरफेस कैसा है? क्लोज्ड है और इमेजिनरी है। ओके, तो ये सारों ही हमने कंडीशन इसकी फुलफिल कर ली है गॉसियन सरफेस की। और इस अच्छे से आपको स्टडी करना है तो आप गॉसियस लॉ वाला वीडियो देख लेंगे, आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ओके, तो गॉसियस लॉ को अच्छे से स्टडी करेंगे, उसी के बाद आप एप्लीकेशन को देखेंगे, है ना। तो ई को हम बाहर कर देंगे और ये डी एस क्लोज्ड इंटीग्रल हो जाएगा इसका, और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। ds किसका पार्ट है? ये देखिए, ds इस गॉसियन सरफेस का पार्ट है, तो इस गॉसियन सरफेस का कंप्लीट सरफेस एरिया क्या होगा? स्मॉल r रेडियस है, तो इसका 4πr² हो जाएगा, 4πr² इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो e कितना हो जाएगा? 1/4πε0, ये 4πr² यहां आ जाएगा, तो q अपॉन r square। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है?
एक जैसे पॉइंट चार्ज के लिए होता है ना, सबके लिए वैसे ही आ रहा है, पॉइंट चार्ज के लिए। अगर कोई यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज क्यू रखा है तो इससे आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दिस ये जो वैल्यू आई है अभी, है ना। तो ये एट पॉइंट पी, ओके। अगर हम इसको चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में रखें, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम में जाएगा चार्ज, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, रो, है ना, रो की फॉर्म में भी हम इसे लिख सकते हैं। तो देखिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी, रो क्यू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या होगा, कितने वॉल्यूम में ये चार्ज है, वो वाला वॉल्यूम हम ले लेना है। तो वॉल्यूम, कंप्लीट वॉल्यूम में तो ये चार्ज है नहीं, ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, यहाँ तक आर वन और आर टू इसकी रेडियसेस हैं, रेडियाई हैं, है ना। तो वॉल्यूम, किस वॉल्यूम में है ये चार्ज, ये देखिए वॉल्यूम जो है वो कितना है, हम पहले ऑलरेडी लिख चुके हैं, इस वॉल्यूम में ही तो है ये चार्ज, ये पहले निकाल चुके हैं, 4/3πr2³, है ना, इस कंप्लीट का माइनस दिस, है ना, इस इतने वॉल्यूम में ही है ओनली दिस चार्ज, केवल इस वॉल्यूम में ये चार्ज है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, हम ऐसे यहाँ नोट कर देंगे इसे, 4/3πr²-r1³, है ना, दिस। तो ये हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ हम q को रिप्लेस करेंगे, कैसे रिप्लेस करेंगे, 4/3πr³-r1³ into rho से इससे रिप्लेस कर देंगे हम q को, यहाँ जो q है ये, तो E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/4πε0 q, दिस वैल्यू 4/3πr²-r1³ into rho this upon r square, 4π से ये 4π कैंसिल हो जाएगा, तो E कितना आएगा, E आ जाएगा हमारा यहाँ पर, देखिए ऊपर कौन है, r²-r1³ into rho upon here epsilon naught और r square। तो ये होगी वैल्यू किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की एट पॉइंट पी इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, इन वैल्यूज को हम यहां लिख देते हैं, एक तो ये है वैल्यूम एक्सटर्नल पॉइंट पे वैल्यू, E इक्वल्स टू 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वेयर, दिस एक वैल्यू ये है इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, r²-r1³ into rho अपॉन 3ε0 r² एक वैल्यू ये है। अब हम पता करेंगे एट सरफेस, यहां पर कहां पता करेंगे, एट सरफेस पे हम पता करेंगे वैल्यू, आप इसे नोट कर लेंगे। एट सरफेस पे हमें पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी एट सरफेस। देखिए सरफेस पे पता करना है तो जो स्मॉल r है वो कितना हो जाएगा, जो स्मॉल r है दिस, यहां से लेके यहां तक r2 है, दिस रेडियस कितनी है r2, है ना। तो हम यहां से रिप्लेस कर देंगे, इक्वल्स टू गो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, 1/4πε0 जो डिस्टेंस है कितनी है r2 है, q अपॉन r2 का स्क्वेयर। तो ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, है ना। यहाँ हम इसे रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगी वैल्यू, E इक्वल्स टू r²-r1³ अपॉन 3ε0। तो स्मॉल r की जगह हमें क्या रखना है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस r2 से हम इसे रिप्लेस कर रहे हैं, तो स्मॉल r की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, r²। ओके, तो ये हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय रो, तो ये हो जाएगी वैल्यू कहाँ पे, सरफेस पर, है ना, एक्सटर्नल पॉइंट और सरफेस पर ये वैल्यूज रहेंगे। ओके, आप इन्हें नोट कर सकते हैं।
अब हम निकालेंगे, ये देखिए ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में वैल्यू, ओके। अब हम निकालेंगे एट इंटरनल पॉइंट, इंटरनल पॉइंट कहाँ होगा, आर टू माइनस आर वन के बीच में, यहां से लेके यहां तक जितना भी ये वॉल्यूम है उसके बीच में होगा कहीं भी ये पॉइंट जो इंटरनल पॉइंट होगा। तो इसके लिए फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, आप इन्हें नोट कर लेंगे क्योंकि ग्राफ तो हम इसमें ड्रॉ नहीं करेंगे, तो वन और टू का आप चेक कर लेंगे, उसे नोट कर लेंगे आप इन्हें, है ना। अब हम निकालेंगे इंटरनल पॉइंट पे, एट इंटरनल पॉइंट, एट इंटरनल पॉइंट फिर से फिगर ड्रॉ करेंगे यहां पे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा फिगर। देखिए हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर लेते हैं हम सबसे पहले, ओके, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर हमने ले लिया, है ना। हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है, R1 इसकी इनर रेडियस है और R2 इसकी आउटर रेडियस है, और जो पॉइंट है कोई भी यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पर, स्मॉल r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी पता करना है, और प्लस चार्ज इसको गिवन है, सॉरी ये प्लस चार्ज कहां रहेगा, इसी रीजन में रहेगा, ये प्लस चार्ज कितना चार्ज दिया था, प्लस क्यू चार्ज दिया था जो कि इसके इस रीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनिफॉर्मली। अब हमें पी पॉइंट पर पता करना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहली बात तो जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी होगी वो अवे फ्रॉम दिस होगी, है ना। यहाँ पे हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, ये गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ कर रहे हैं, ओके, गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे हम एक डीएस लेंगे, सबसे पहले डीएस भी अवे फ्रॉम द दिस होगा, ये डायरेक्शन ई डी एस, थीटा कितना होगा, जीरो डिग्री होगा, ओके। स्मॉल आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट था पी, है ना, यहाँ पर, यहाँ से सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट था पी, वहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी को पता करना है। इतनी चीज़ें हमने यहाँ पर पता कर ली हैं, गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है, सब जगह जो वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम रहेगा, है ना। अब हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं एट इंटरनल पॉइंट के लिए, एट इंटरनल पॉइंट, एट इंटरनल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू इनसाइड। अब क्यू इनसाइड है, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे कि क्यू इनसाइड कितना है, है ना, गॉसियन सरफेस के अंदर, ये जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर कितना चार्ज है, इसके अंदर चार्ज लेना है। अच्छा, प्लस क्यू जो चार्ज है वो किस पर है, देखिए 4 अपॉन 3 पाई R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब, ये यहाँ से यहाँ तक जो वॉल्यूम है इसके पास कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। इस वॉल्यूम पर कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज। यूनिट वॉल्यूम पर कितना चार्ज होगा, यूनिट वॉल्यूम पर चार्ज कितना होगा, क्यू अपॉन 4 अपॉन 3 पाई R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब, ये होगा चार्ज यूनिट वॉल्यूम पर। लेकिन हमारा जो वॉल्यूम है वो कितना है, ये वाला जो गॉसियन सरफेस है इस पर चार्ज चाहिए हमें, वो होगा इनसाइड चार्ज, यहाँ से यहाँ तक इसका जो वॉल्यूम होगा, देखिए हमें कौन से वॉल्यूम पे चाहिए, 4 अपॉन 3 पाई स्मॉल r में से यहाँ से यहाँ तक, दिस इस डिस्टेंस का जो वॉल्यूम है ना, इस डिस्टेंस का, ये डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक r है और यहाँ से यहाँ तक r1 है, तो स्मॉल r माइनस r1, है ना, तो स्मॉल r क्यूब माइनस r1 क्यूब, ओके। तो इस वॉल्यूम पर हमें चार्ज चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, r है, है ना। तो 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब, ये कंप्लीट वॉल्यूम हो गया, और यहाँ से यहाँ तक कितना वॉल्यूम हो गया, ये स्मॉल कैपिटल R1 रेडियस का जो वॉल्यूम है, यहाँ से यहाँ तक ये R1 का, है ना। तो हमें इस वॉल्यूम पर चार्ज चाहिए, इस वॉल्यूम पर कितना चार्ज होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम इससे, 4 अपॉन 3 पाई R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब मल्टीप्लाई बाई दिस, 4 अपॉन 3 पाई स्मॉल r क्यूब माइनस R1 क्यूब, ओके। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका, इस वॉल्यूम पर हमें चार्ज चाहिए, तो वो ये होगा चार्ज, 4 अपॉन 3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस
कैंसिल आउट हो जाएगा 4/3π। तो जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, इनसाइड चार्ज, यही होगा इनसाइड चार्ज, क्योंकि हमें केवल इस वॉल्यूम पर चार्ज चाहिए, इस वॉल्यूम पर, इस डिस्टेंस का जो पार्ट है इतने पर हमें चार्ज चाहिए। तो वो कितना होगा चार्ज, ये होगा q इनसाइड, कितना हो जाएगा दिस q, और ये यहाँ पे क्या होगा r क्यू माइनस r वन क्यू अपॉन नीचे r टू क्यूब माइनस r वन क्यूब। तो ये होगा इनसाइड चार्ज, ये वैल्यू होगी इनसाइड चार्ज की। ओके, इसे हम चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो चार्ज डेंसिटी कितनी थी, रो इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम। क्यू चार्ज किस वॉल्यूम पर था, वो था 4/3π आर टू क्यूब माइनस आर वन क्यूब वॉल्यूम पर, है ना, ये थी चार्ज डेंसिटी। इसको हम यहाँ पे क्यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे किस से रिप्लेस कर सकते हैं, 4/3π आर टू क्यूब माइनस आर वन क्यूब, ओके, इनटू रो से, इससे हम रिप्लेस कर सकते हैं क्यू को, यहाँ पर कर दीजिए रिप्लेस। कितनी आएगी वैल्यू क्यू को रिप्लेस करेंगे तो आप, 4/3π आर टू क्यूब माइनस आर वन क्यूब इंटू रो, ओके, ये क्यू को हम रिप्लेस कर रहे हैं, है ना, और दिस वैल्यू आर क्यू माइनस आर वन क्यूब अपॉन आर टू क्यूब माइनस आर वन क्यूब दिस, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा पार्ट, है ना। तो q इनसाइड कितना आएगा, q इनसाइड आ जाएगा वैल्यू, हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको, जो q इनसाइड होगा वो कितना होगा, q इनसाइड कितना आया दिस 4/3π और ये रो आर क्यूब माइनस आर वन क्यूब। तो ये है q इनसाइड इसके, इसने पार्ट का जो वॉल्यूम है इसके पास इतना चार्ज है, है ना, यही वैल्यू हमको यहाँ पे पुट करनी है। देखिए इसी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, कहाँ पे, यहाँ q इनसाइड की जगह। तो q इनसाइड की जगह हम पुट करेंगे 4/3π रो आर क्यूब माइनस आर वन क्यूब, ये हमने वैल्यू यहाँ पुट कर दी है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे ई डी एस कॉस 0 डिग्री क्लोज्ड वॉल्यूम के लिए इंटीग्रेशन। तो ये कितनी हो जाएगी वैल्यू, 4/3 एप्सिलॉन नॉट पाई रो आर क्यूब माइनस आर वन क्यूब दिस, है ना, ई को बाहर कर देंगे, ई तो हमें पता करना ही है, और डी एस, डी एस, डी एस कौन सा, इस स्मॉल आर वाले पार्ट का जो गॉसियन सरफेस है, इसका सरफेस एरिया कितना होगा, 4πr², ओके, 4/3 एप्सिलॉन नॉट पाई रो स्मॉल आर क्यूब माइनस आर वन क्यूब। तो ई कितना हो जाएगा, ये 4πr² इक्वल्स टू 4/3 एप्सिलॉन नॉट पाई रो आर क्यूब माइनस आर वन क्यूब। 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, ये आर स्क्वायर इसके नीचे आ जाएगा। तो वैल्यू कितनी आएगी, रो आर क्यूब माइनस आर वन क्यूब अपॉन दिस आर स्क्वायर 3 एप्सिलॉन नॉट एंड आर स्क्वायर। और कुछ तो यहाँ नहीं रहा, क्योंकि रो आ गया हमारा आर क्यूब माइनस आर वन क्यूब दिस, और ये आर स्क्वायर। तो ये रहेगी वैल्यू हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की, ओके, और तो यहाँ कुछ नहीं रहा है, है ना, ये होगा वैल्यू एट इंटरनल पॉइंट। तो इंटरनल पॉइंट पे ये रहेगी वैल्यू। अगर आपको इसे रो की, रो को क्यू के फॉर्म में लेना है, तो आप फिर से इसे को रो को यहाँ से रिप्लेस करके यहाँ से लिख सकते हैं आप इसको, है ना, सिंपल। कैसे लिखेंगे, फिर से क्यू की फॉर्म में लेना है तो रो को आप इससे रिप्लेस कर दीजिए। ई कितना हो जाएगा फिर, रो को आप इससे रिप्लेस करेंगे क्यू अपॉन 4/3π आर टू क्यूब माइनस आर वन क्यूब से, है ना, और दिस आर क्यू माइनस आर वन क्यूब, ओके, अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर, है ना। तो ये 3 ऊपर आ जाएगा, तो ये 3 और ये 3
कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी निकल के, दिस इज, इसे हम यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं इस वैल्यू को, क्या आएगी ये वैल्यू निकल के E की, ये वैल्यू आएगी यहाँ पर हमारी Q अपॉन दिस पाई, ये नीचे चला जाएगा Q और ये R क्यूब माइनस R वन क्यूब, ओके, और ये 4 पाई इसके साथ हो जाएगा पूरा पार्ट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वेयर, ओके, और ये वाली वैल्यू कितनी है r 2 क्यूब माइनस r 1 क्यूब, दिस है ना। तो ये रहेगी वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ चार्ज और ये रहेगी वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ चार्ज डेंसिटी, है ना, इन द फॉर्म ऑफ चार्ज डेंसिटी एट इंटरनल पॉइंट, एट इंटरनल पॉइंट। तो ये दो वैल्यूज हैं इंटरनल पॉइंट के लिए, अगर आप क्यू के फॉर्म में लेते हैं तो ये वैल्यू होगी और आप चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लेते हैं तो ये वैल्यू रहेगी, ओके। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया है हमने यूजिंग गॉसेस लॉ, ओके। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।